दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू आवर सेंट्रल गेमिंग ग्रुप। मैं आपके लिए एक नया चीज लाया हूँ जो है ओएसिस फ्रेश का जो इवेंट नया है। उस इवेंट में ये दिया गया है, आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं ओएसिस फ्रेश का इवेंट। इसमें दिया गया है आपको ड्रिंक्स बनाने हैं। इसमें बहुत सारे ड्रिंक्स है, उसका रेसिपीज है। आपको यहाँ पर चार इंग्रेडिएंट्स दिया गया है, उन चार इंग्रेडिएंट्स को मिला कर आपको एक एक ड्रिंक का रेसिपी तैयार करना है। टोटल रेसिपीज है 46 रेसिपीज। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा 46 रेसिपीज कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा मेहनत लगेगा मगर ये हो जाएगा। आपको चार इंग्रेडिएंट्स क्या क्या दिया है मैं आपको बताता हूँ। ये चार इंग्रेडिएंट्स आपको मिल जाएगा क्लासिक मैप आप खेलेंगे तो ये चीज़ आपको मिलेगा। आप जितना क्लासिक मैप खेल सकते हैं खेलिए, तो आपका ये काउंट होता जाएगा। देखिए, मैंने आज बहुत सारे क्लासिक मैच खेला है, इसलिए 31, 39, 42 इतने सारे हो चुका है। आइस कम है क्योंकि आइस मैचेस खेलने से नहीं मिलता है। उसे पाने के लिए आपको चेयर पार्क में जाना पड़ेगा। वहाँ पर एक ट्रेलर दिया हुआ है जहाँ पर ट्रेलर में आप जूसेस बना सकते हैं, वहाँ पर जूसेस पी सकते हैं और वहाँ से ही आइस आप ले सकते हैं। लगभग 8 आइस आप ले सकते हैं हर एक दिन, उससे ज़्यादा नहीं। आपको मैं बता दूँ, मैच खेलने के वक्त आपको नहीं बताएगा जो आपको इतना इतना मिला है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स इतना इतना मिला है, आपको नहीं बताएगा। मगर आपके इन्वेंट्री में ये सब ऐड हो जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर ऐड हो चुका है। यहाँ पर देखिए चिली सॉस, सावर जूस, ये आइस और ये सिरप और ये फ्लेवरिंग, ये चार ये पांच आइटम्स ऐड हो जाता है। अब इन पांच आइटम से आपको बहुत सारे कुछ तैयार करना होगा रेसिपीज। जैसे कि यहाँ पर एक ग्लास दिया गया है, इस ग्लास में मैं पहला लेयर में देता हूँ सावर जूस, उसके बाद में एक सिरप, उसके बाद में एक चिली सॉस। अगर आप बर्फ़ डालना चाहता है तो बर्फ़ डाल सकते हैं। ये एक बर्फ़ डाल दिया, तो आपको यहाँ पर एजम्पशन लगाना होगा जो कौन सी चीज़ किसके ऊपर देने से एक ये आपको ट्राई करते करते पता लग जाएगा। मगर यहाँ पर दो शेक दिया गया है, शेक जनरली और शेक क्विकली। इसमें से दोनों का इफेक्ट्स अलग अलग है। अगर इस कॉम्बिनेशन से शेक जनरली भी करते हैं तो आपको एक नया रेसिपी मिलेगा। अगर आप इसी रेसिपी से बस थोड़ा डिफरेंट रेसिपी से अगर शेक क्विकली करते हैं तो आपको एक डिफरेंट, जैसे मैं चिली सॉस से तीनों चिली सॉस ले लिया, तो चिली सॉस से मैं शेक क्विकली किया तो इससे एक नया रेसिपी तैयार होगा। इस तरह से यहाँ पर 46 रेसिपीज़ हैं। मैं आपको ये सारे रेसिपी का जो इंग्रेडिएंट्स है मैं आपको बता दूंगा ये कौन से रेसिपीज़ है। यहाँ पर आप शो कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर शो कर सकते हैं। और ये सारे ड्रिंक्स आप तैयार करने के बाद आप इसे इन्वेंट्री में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, देखो मैंने ये चेरी ब्लॉसम को सिलेक्ट किया है, उसको कैरी कर सकते हैं। ये कैरी करने से यहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ पर लिखा है ब्रिंग टू स्पॉन आइलैंड, ड्रिंक्स कैन बी यूज्ड ऑन द स्पॉन आइलैंड और चेयर पार्क टू ट्रिक फन इमोट इफेक्ट्स। ये हर एक ड्रिंक्स को पीने से आपका आप एक इमोट दिखाएंगे। तो ये दो जगह पर एप्लीकेबल है, एक स्पॉन आइलैंड जब आप मैच शुरू कर रहे हैं, जब स्पॉन आइलैंड में सब लोग 100 प्लेयर्स घूम रहे हैं वहाँ पर आप खा सकते हैं, और उसके बाद आप चेयर पार्क में भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हर एक ड्रिंक्स का हर एक अलग अलग इमोट है। तो यहाँ पर मैंने तीन चीज़ कैरी कर चुका हूँ, देख सकते हैं। ये तीन ग्लास आप एक साथ कैरी कर सकते हैं, फिर आपको दूसरा ग्लास कैरी करना पड़ेगा। मैं बाद में ये सारे इमोट्स दिखाऊंगा, ये हर एक ड्रिंक्स को पीकर मैं आपको पीकर सारे इमोट्स दिखाऊंगा, वो एक दूसरा वीडियो में होगा। मगर पहले यहाँ पर मैं जो दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं 46 रेसिपीज मैं आपको बताऊंगा कैसे मैंने बनाया है। तो आप लोग ये वीडियो पूरा देखिए,
तो आपको ये पूरा मालूम पड़ जाएगा कि मैंने कैसे कैसे ये सारे रेसिपीज बनाए हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं सारे रेसिपीज, लेट्स गो। Thank you.
तो दोस्तों आपने देख ही लिया है सारे रेसिपीज। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर जो ड्रिंक्स ब्लैक कलर का है ना, ये सारे ड्रिंक्स आप यूज़ नहीं कर सकते या पी नहीं सकते। जो कलरफुल है ये सारे ड्रिंक्स आप पी सकते हैं। सो गाइस मैं आपको ये बता देता हूँ जे आप कैसे रेसिपीज बनाते बनाएंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है ये वाला देखिए, ये वाला पर्पल बबल, ये एक नया ड्रिंक है। तो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगता है? इंग्रेडिएंट्स लगता है सिरप, जैसे ये वाला पहला ऑप्शन है सिरप, मैंने सिरप दिया। उसके बाद में ये सावर जूस, ये आइकॉन सावर जूस का है, और उसके बाद में ये आइकॉन फ्लेवरिंग का है, ये वाला फ्लेवरिंग। ये बनाया जाता है मेड बाय शेकिंग क्विक, या जल्दी से अगर शेक करेंगे तो ये ड्रिंक बन जाएगा। और इसका इफेक्ट यहाँ पर दिया गया है डांस ऑन द एज ऑफ फैंटेसी। ये बस शेक क्विक किया तो देखिए ये शेक क्विक हुआ और ये तैयार हो गया पर्पल बबल। ये पर्पल बबल बहुत सारे चीज़ है, ये जो काला ड्रिंक ये तो आप नहीं खा सकते हैं, मगर ऐसे भी बहुत सारे ड्रिंक्स है जो आइस से बनाया जा सकता है। जैसे ये वाला आइस से, ये एप्पल जूस आइस से बनाया जा सकता है। जैसे कि दो सिरप देना होगा पहले, उसके बाद ये वाला आइकॉन है सावर जूस का, उसके साथ एक आइस देना होगा। आइस के बाद ये आप शेक जेनली भी कर सकते हैं, शेक क्विक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शेक मैं क्विकली करता हूँ जल्दी के लिए, तो शेक क्विकली कर दिया और तैयार हो गया एप्पल जूस। ये एप्पल जूस अगले एक वीडियो में लाऊंगा तो उसमें मैं सारे ड्रिंक्स खाऊंगा, तो खाने के बाद आपको देखने को मिलेगा इसमें कौन से इमोट्स दिया गया है। तो एक और चीज़ है, यहाँ पर हर एक रेसिपी को अनलॉक करने से आपको एक रिवर्स मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए 10, 15, 20, 25, 30 और 34 पॉइंट्स है। ये सारे पॉइंट्स को आपको कलेक्ट करना होगा, तो कलर हर एक रेसिपी पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे और इस पॉइंट से ये सारे रिवर्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर सबसे फायदेदार जो चीज़ है वो है ये AG, जो नया करेंसी है पबजी का, ये 300 AG आपको मिल जाएगा अगर ये आप कंप्लीट करते हैं। सो गाइस अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में लेके बताइएगा और प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब, रियली अप्रिशिएट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इट्स गुड टाइम।